जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकवादी हमले और खासकर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद की युवा कार्यकारिणी बजरंग दल कल देश भर में जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेगी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा की जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकियों ने ली है। हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल 12 जून को सभी केंद्र एवं जिलों पर विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के रियासी में इस्लामिक जिहादियों ने हमला किया जिसमें महिला बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हुई। विश्व हिंदू परिषद इसकी निंदा करता है। 12 जून को बजरंग दल सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन और पुतला दहन करेगा। जम्मू कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद फैल रहा है, इसको लेकर हम सभी को जागरूक करेंगे। माध्यम से एक निवेदन भी दिया जाएगा और साथ में इस्लामिक आतंकवाद जो फैल रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके बारे में भी एक जागरूकता पुनः निर्माण हो, इसलिए एक पुतला दहन का भी कार्यक्रम सभी जिला केंद्रों के ऊपर बजरंग दल के माध्यम से होगा। हम सब लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले एक वर्ष में इस तरह की कायरतापूर्ण ऐसी अनेक घटनाएं हुई है। मिलिट्री के ऊपर के हमले हैं और जो भी जानकारी अभी सामने आ रही है कि शायद वही गट जिन्होंने पहले की घटनाओं को अंजाम दिया है, संभवतः वही लोग इस तरह की घटना में भी सम्मिलित हुए, उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो देखते हुए ऐसा सारे एजेंसीज को लग रहा है। और जिस दिन भारत में नई केंद्र सरकार का गठन हो रहा था तो उसी दिन यह घटना होना, यह भी एक महत्व रखता है। मुझे लगता है कि एक पाकिस्तान समर्थित यह जो इस्लामिक आतंकवाद चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वह एक यह दिन चुनकर वह एक संदेश देना चाह रहे हैं। और इसीलिए जो इस्लामिक आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पुनः अपना सर उठा रहा है, उस सिर को कठोरता से कुचलने की आवश्यकता है। और इसलिए समाज में जागरण भी हो, जागरूकता भी निर्माण हो, और जो घुसपैठ के कारण से देशभर में भी अनेक राज्यों में संवेदनशीलता निर्माण हुई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।